लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ऑफ थ्री बी दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेवन इंटू वाई प्लस थ्री माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोरटीन और नेक्स्ट इक्वेशन है फोर इंटू वाई माइनस टू प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू टू तो हर एक इक्वेशन को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त बताई हैं तो प्लीज हर टाइप का क्वेश्चन जरूर देखें फिफ्टीन क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं तो फिफ्टीन क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन है सेवन इंटू वाई प्लस थ्री माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर्टीन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी फोर इंटू वाई माइनस टू प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू टू ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे इस इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो हमने लिखा सेवन वाई प्लस ट्वेंटी वन माइनस माइनस का टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू टू ऑफ फोर इक्वल्स टू फोरटीन तो ये कितना आ गया सेवन वाई माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी वन में से फोर गया इस 17 क्योंकि अपोजिट साइन थे इक्वल्स टू फोर्टीन तो ये आ गया सेवन वाई माइनस टू एक्स इक्वल्स टू फोर्टीन माइनस सेवनटीन राइट right? तो 2x एक्स आप पहले x की टर्म लिख देते हैं आप चाहें तो y की टर्म से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन मुझे आदत है कि पहले मैं x की टर्म्स लिखती हूँ राइट right? तो इस इक्वल्स टू माइनस थी तो मैंने इसको इस फॉर्म में रख दिया और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन अब इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन निकाल लेते हैं फोर वाई माइनस एट प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री इज अ नाइन इक्वल्स टू टू अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो ये इक्वेशन मैंने सेवेंथ और एट्थ में भी बता रखी है वन वेरिएबल लेके राइट तो अब फोर एक्स फोर वाई सॉरी प्लस थ्री एक्स अब ये दोनों माइनस का ये टर्म माइनस का नाइन है तो दोनों आपस में प्लस हो गए और साइन बड़े वाले का लग गया तो यह है फोर वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू टू प्लस सेवनटीन हो गया अब थ्री एक्स प्लस फोर वाई हमारा आ गया नाइनटीन तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री और थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू नाइनटीन हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मतलब हम क्या करेंगे ये देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स हैं तो हम थ्री को थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू को हम फोर्थ इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे लिख दिया मैंने इंटू थ्री और यहां पे लिख दिया इंटू टू तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय थ्री एंड इक्वेशन फोर बाय टू राइट तो ये कितना आ गया माइनस का सिक्स एक्स प्लस का ट्वेंटी वन वाई इक्वल्स टू माइनस नाइन और ये आया सिक्स एक्स प्लस एट वाई इक्वल्स टू थर्टी एट अब आप देखिए इन दोनों के कॉफिशंट सेम हो गए हैं और साइन भी ऑपोजिट है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और ये आ गया ट्वेंटी नाइन वाई इक्वल्स टू थर्टी एट में से नाइन गया तो हमारा आया ट्वेंटी नाइन प्लस का ही तो हमारा वाई कितना आ जाएगा वाई आ गया हमारा ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी नाइन दैट इज वन आ गया वाई राइट right? अब हम वन को इक्वेशन थर्ड में रख देंगे पुटिंग वाई इक्वेश्स टू वन इन इक्वेशन थर्ड अब इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी इक्वेशन थर्ड थी माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू हमारा था थ्री माइनस का राइट right? तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस का थ्री तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे टू एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू माइनस थ्री तो माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री सेवन भी उधर जाके माइनस का हो गया तो ये आ गया माइनस का टेन माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो एक्स आ गया टेन अपॉन टू दैट इज फाइव तो अब हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई एक्स आ गया हमारा फाइव एंड वाई आ गया वन इज़ द आंसर